एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपके जीवन में कौन कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, कौन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली हु इज मैन ओके इन लव विद यू। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो टाइम जैसे कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कि आप की विशेज की वजह से मेरा हेल्थ सही हो चुका है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन ऐसा कर रहा है, कौन उनके बारे में सोच रहे हैं, कौन उनको डीपली कमिटमेंट देना चाहते हैं, कौन किसका उद्देश्य क्या है, क्या वो क्यों वो स्टॉक कर रहे हैं, क्या मकसद है उनका। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कौन उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द जस्टिस, दैट इज द लिब्रा। यहाँ पे है हमारे पास द टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस लोगों के कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स, आई डोंट नो क्यों मैंने बताया यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि टेन ऑफ वैंड्स सेकेंड द फायर साइन किंग ऑफ स्वर्ड्स दो दो राजाए महाराजाए द मैजिशियन। वाओ, दिस इज अ रियल वाओ स्ट्रेंथ। तीन मेजर आकना यहाँ पे आ चुका है, लियो सिंह राशि यहाँ पे है, तुला राशि यहाँ पे है, फायर साइन तो मैंने आपको बता ही दिया है, मिथुन राशि यहाँ पे है, कुंभ मिथुन तुला राशि एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके नीचे भी देखो जजमेंट है, ठीक है। सो इसको भी हम ले लेंगे। 20 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 एंड 11 यहाँ पे है, दिस वन 10 11 20, सो 20 20 20 02 इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं। इवन 9 9, अक्टूबर महीना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर नवंबर इस तरह से। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान मुझे लग रहा है काफी हार्ड वर्किंग है। क्या आप ऐसे इंसान को जानते हो कि बहुत ज्यादा अपने काम के लिए वफादार है, ठीक है। सो उनको कभी भी काम को शॉर्टकट तरीके से कभी भी ये नहीं संपन्न करते, ठीक है। हमेशा ही इनको डिटेल में जाना है, डिटेल ओरिएंटेड मतलब ए टू जेड इनको जानना है। इसलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। आप जानते हो काफी करियरिस्टिक ये इंसान, हमेशा इनको जो भी चाहिए ये अपने जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो भी इनके सबॉर्डिनेट है मतलब जो भी जूनियर है इनका, इनको अच्छी तरह से कमांड कर देते हैं कि देखो आपको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा वरना आप कंपनी छोड़ सकते हो। सो दे मे बी द रूलर, सो दे मे बी द बॉस ऑफ एनी कंपनी, या मैनेजर है, ठीक है, या हायर पोजीशन में है, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है, सर्जन हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, एनी लीडर ओके ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी। ये इंसान ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे लेक्चर्स लेते हुए डीन हो सकते हैं, मतलब कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते हैं और ये गेस्ट लेक्चर भी ले सकते हैं। ये ऐसे हायर अथॉरिटी वाले आपके बॉस भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है, आपके हायर मतलब मे बी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो ये आपके, ठीक है, गाइड हो सकते हैं। सो मेंटर, गाइड, स्पीकर, मोटिवेशनल एक्सपर्ट, ये शायद ऑनलाइन में कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलाते हो, इस तरह से भी हो सकते हैं। सो इनके अंदर आप देखोगे कि एक स्पार्क है, मतलब उनके जो अपीयरेंस है चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सो आप देखोगे इनमें अलग सा ही कुछ यूनिकनेस, ठीक है, मतलब जो भी है ये इनका जो राइटिंग स्किल्स है मतलब जिस तरह से लिखते हैं, पोएट्री हो सकता है, लिटरेचर में भी, मे बी एम ए, मे बी एम कॉम और वट एवर बी इट इज, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उनमें ना टॉपर लाइक, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें फ्लुएंट है वो। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, इसलिए आप उनके और आकर्षित होते जाते हो। मे बी यू नो द पर्सन ऑलरेडी,
और ये हमेशा बहुत बड़े चीजों के ऊपर उनका आंख है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर उन्होंने बहुत गुण देखा है, आपके अंदर उन्होंने बहुत टैलेंट देखा है, इसीलिए वो आपके ऊपर नजर बना के रखे हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट, ये कभी भी इनको कोई भी क्रिटिसाइज करे ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा कम्युनिकेशन में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपके साथ इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, येस आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लवर हो सकते हैं जो आपके जिंदगी में आना चाहते हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, या हो सकता है इनके कुछ पहले हेल्थ इश्यूज था स्ट्रेस के वजह से, वो अभी सही हो चुका है एंड डेफिनेटली नाउ दे आर वेरी मच हेल्दी। वो आपको इस कनेक्शन में पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा। एंड डेफिनेटली आप देखो हिम्मत इनकी दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी नहीं कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको लगता है कि सी दिस पर्सन डिजर्व्स यू। आप देखो ये जो लड़की है ये क्या पहना रही है, इस शेर को ये जो क्राउन है वो पहना रही है, सो कहीं ना कहीं भी उनको लगता है कि आप डिजर्विंग हो, लेकिन उनको ये भी फील होता है कि आप जितना डिजर्विंग हो उतना ही आपको अच्छा नहीं होता, तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनका स्टॉक करने का जो है उद्देश्य ये यही है कि आपके बारे में डिटेल्स जानना, अगर वो नहीं जानते हैं तो कुछ कुछ मिस आउट भी हो सकता है ना उनसे, तो ये चाहते हैं फिर से आपके साथ इनका फैमिली हो, फैमिली कनेक्शंस बने, और ये एक बार बने ना तो कभी ना टूटे। तो इनको पता चल चुका है ठीक है कि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सो दे आर रेडी टू आस्क सॉरी, ओके दे आर रेडी टू से सॉरी टू यू एंड ऑल्सो आस्क फॉर अ गुड प्रपोजल। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रीबर्थ है कनेक्शन में, कुछ लोगों के लिए तो रीबर्थ 100% है। मे बी वो आपको समय नहीं दे पाते थे इसलिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स होता था अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए, बट अभी इनके जो विजन है मतलब इनके जो मेन टारगेट है वो आप हो, बिकॉज राइट नाउ उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है कि दुनिया में कौन कैसे है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना उनका जारी रहा है, और कहीं ना कहीं पे आपके भी कुछ क्वालिटीज़ है, आपके भी कुछ गुण हैं जो वो पसंद करते हैं, उनकी भी पसंद और नापसंद तो डेफिनेटली है, और वो पसंद और नापसंद में से आप वो हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके साथ आपके लिए इतना इंटरेस्ट लेते हैं, मे बी यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, मे बी यू आर वेरी ब्यूटिफुल, मे बी यू आर वेरी सोबर। ठीक है, देखो एक एक पर्सन को एक एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है, पर्सनालिटी थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा हार्ड है, मे बी अंदर से सॉफ्ट भी है बट हार्ड दिखने में है। ठीक है, और यही वो इंसान है जो आपको अपने ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया था, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ द करियर ऑफ द चॉइसेस, ये भी है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी उन्होंने आपसे अपना इमोशंस को टेक मतलब एकदम ले लिया था, नहीं मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, अभी वो दो साइड से, पहले वो एक साइड से रिलेशनशिप को देख रहे थे, अभी वो दो दो साइड से रिलेशनशिप को देख रहे हैं। सो जस्टिस यहाँ पे है, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि देखो जज क्या होता है, जज क्या करते हैं, दोनों साइड का सुनना पड़ता है उनको, क्रिमिनल साइड का भी सुनना पड़ेगा और जो फाइल किया है केस उनके साइड का भी, विक्टिम का भी सुनना पड़ेगा। तो वो सही डिसीजन लेने के लिए उनको समझदारी की ज़रूरत होता है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, वो एक्सपीरियंस उनके अंदर है कि वो सही डिसीजन अभी लेंगे जो पहले नहीं लिया था, क्योंकि वो उन्होंने आपके साथ पार्शियलिटी किया। ठीक है, उन्होंने आपको इग्नोर किया। ठीक है, इस तरह से, बट राइट नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड, टू मच इंटरेस्टेड अबाउट यू। ठीक है, और ये उनको पता है, मुझे यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इनको क्लाइंट्स के सामने कुछ बोलना पड़ता है, देखो हमारे कंपनी इस तरह से है तो आप हमारे कंपनी से प्रोडक्ट लीजिए, इस तरह से कुछ पब्लिक स्पीकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं ये किस तरह के इंसान होंगे।
सो लेट मी सी, 1, 2 and 3. ओके, स्टैक ट्रस्ट एंड थ्राइव, हार्ड गार्जियन लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, फायर गार्जियन, फायर एकदम पैशनेट, इग्नाइटेड, ठीक है. आग जैसे खाना बना भी सकता है, आग झुलस भी सकता है, बट ये वो आग है जो एक लवली रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे. एंड डेफिनेटली पैशनेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों के अंदर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. चाहते भी इस तरह से है, वेरी लवली कनेक्शन. आई डू फाइंड कि इंसान आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं फॉर द मोस्ट प्लेजरेबल लव, ठीक है. मतलब प्यार, वैसे तरह का प्यार, इश्क वाला प्यार. यहाँ पे जो है स्टैग द ट्रस्ट एंड द थ्राइव, मतलब ये इंसान अभी आप समझ सकते हो कि भरोसे लायक है, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. दे आर वेरी मच डिग्निफाइड. जिस तरह से मैंने आपको एक बार बताया भी था, ये जो तिल का पत्ते है जिसको बोला जाता है पेरिला लिप्स, ये दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है. तो ये इंसान जो है ना इस स्टैग की तरह बहुत डिग्निफाइड है, पावरफुल है, हेल्पफुल है, लोगों की मदद भी करते हैं. इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर दिख जाए रेड कलर का, मे बी रेड कलर इज अवर फेवरेट, और ब्राउन और वेलवेट और लाइट ब्लू कलर, रेड वेलवेट कलर, वेलवेट ब्राउन, लाइट ब्लू कलर इज अवर फेवरेट, या आपके फेवरेट हो सकते हैं. ये दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, सो व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये भी आपको पूछ रहे हैं. सो नाउ लेट मी सी, एक गाइडेंस कार्ड मैं दे देती हूँ, उसके बाद में इनिशियल्स. कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के टैटूज है ऑल ओवर द बॉडी या मे बी ऑन द चेस्ट. कुछ लोगों के लिए मैं आपको सिग्नल्स दे देती हूँ, ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर, या मेल है तो ब्लैक हेयर, थोड़ा सा कर्ली और वेवी हेयर भी है, शॉर्ट हेयर, वेरी इनोसेंट आईज, बहुत ही मासूम आंखें हो सकती हैं, या पावरफुल आईज, मतलब आंखों से ना चमक आता है बहुत सुंदर सा, ठीक है. थोड़ा सा ब्रॉड फेस अगर फीमेल है तो, ठीक है, इस तरह से लिप्स बहुत सुंदर, आईब्रोज बहुत सुंदर है. मार्शल आर्ट्स वाले हो सकते हैं, मतलब इनको बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स आता होगा. डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर तो है ही ऑफकोर्स. लॉ स्टूडेंट हो सकते हैं, कम, ठीक है, कॉमर्स लेके पढ़े हैं, सभी हो सकता है. सो व्हाट्स अ गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइस, 1, 2 and 3. फिर हम इनिशियल्स देखेंगे. ओके, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड विद द जस्टिस. जो आप इतना दिन ऑनेस्ट थे, ठीक है, कोई भी रिश्ता में, संबंध में, आपको तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा इस पर्सन की तरफ से. देखो 13 है, सो डेफिनेटली एंड ऑफ वन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप खत्म होगा, दूसरा चालू, ठीक है. सोल सेटिस्फेक्शन 34, ये इंसान तभी आपको मिल रहे हैं जब आप अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हो. एम फॉर विच मेक्स योर सोल सोल रिजॉइस, किसी के ऊपर वेट ना करके जब आप खुद अपने ही आत्मा को तृप्त कर रहे हो खुद के काम से, तभी इंसान आपके जिंदगी में आ रहे हैं. फ्यूचर लुक्स क्वाइट ब्राइट, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. मे भी कुछ लोगों के लिए ये पास्ट इंसान नहीं है, रीबर्थ है कनेक्शन में, इसका मतलब नहीं है कि पास्ट वाले हैं. कुछ लोगों के लिए नहीं है ये एक्स, कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू पर्सन. टॉल हाइटेड, हैंडसम, क्वाइट, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है. वेरी मच मस्क्यूलर ऐसे इंसान, मेल, ठीक है. और देखो शादी का भी गेट है यहाँ पे. ओह वाओ, नाउ लेट मी सी इनिशियल्स. इनिशियल्स के साथ कुछ चार्म्स भी देखेंगे हम. DH3R2VT, मिकी माउस, मे बी एनिमेशन गेमिंग से रिलेटेड. M1 4, देखो 13 है,
13 डेट कैन बी इम्पोर्टेंट, 18, 4, 0, आज बहुत ज़्यादा नंबर्स आए यहाँ पे, वाई बटरफ्लाई, सो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पिंक यूनिफॉर्म, लवली रिलेशनशिप, मशरूम जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है रैपिडली, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो स्प्रेड करेगा, ट्विन फ्लेम, पाइशेस या बहुत ही क्यूट डॉल्फिन, विल ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत बदलने वाला है रिलेशनशिप, वेल्थ STLY, यहाँ पे है येलो यूनिकॉर्न तो सन, ओके आप लोग देख लेना, 4EOTLW बरकना, इट्स अ न्यू लव, न्यू जर्नी गाइस कुछ लोगों के लिए, स्पेक्टेकल्स, ट्री, ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए फैमिली कनेक्शंस एंड डेफिनेटली हेल्दी कनेक्शन, स्टेबल कनेक्शन, ओ प्रिंसेस, प्रिंसेस वाला, प्रिंस और प्रिंस वाला चार्म इनके पास होगा ज़रूर, देख लेना आप लोगों के पर्सन के नाम या आपके इनिशियल्स इसमें आता है कि नहीं, ठीक है। सो एक बार देख लेती हूँ मैं किस दिन आप लोग मिल सकते हैं, वेडनेसडे आप मिल सकते हैं या सैटरडे आप मिल सकते हैं इस इंसान को, मे भी मुलाकात आपका हुआ था या होने वाला है, ओके ओके। कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी जैसा SOTC, इसमें वो जॉब करते होंगे कुछ लोगों के लिए, DM, डिवाइन मैस्कुलिन या MD, मैनेजिंग डायरेक्टर या हो सकता है डॉक्टर्स डिग्री यू दे हैव, ओके नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, ओके सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, 2, 3, 5, 8, 1 and 4 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर्स, ओके पेन मतलब कलम का बहुत यूज़ करते हैं ये पेन, सो राइटिंग स्किल्स जो मैंने आपको कहा था, ओके SSS हो सकता है इनके नाम पे या आपके नाम पे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर, सब्सक्राइब एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई चैनल, थैंक यू ऑल, बाय, लव यू।